आपको पता है सबसे बड़े स्टार कौन है? किसको पता है? हमारे एलेक्स सर। एलेक्स सर, एलेक्स सर हमेशा लास्ट में एंट्री मारते हैं। वेरी गुड, सो इफ वी प्रैक्टिस वी कैन डू एनीथिंग। वेरी गुड, आई थिंक अब हम परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं। रेडी? संडे आप गेस कर सकते हो वो कौन से वाले सर हैं? कौन से वाले? यस, एलेक्स सर। एलेक्स सर हम सब के और यहाँ पे और भी बच्चे बैठे हैं उन सब के टीचर हैं। सो सर, ये जो मेरे भी बाकी टीचर्स हैं, आप इनको सबसे मिलवाओगे प्लीज और इनके बारे में बताओ कि ये लोग बेसिकली और लोग काफी सालों से रेडी। बॉय बोला, ओके दूसरी दीदी को बुलाते हैं। ये दीदी का नाम है नुसरत दीदी। नुसरत दीदी के हेलो बोलेंगे सब। गर्ल, वेरी गुड, थैंक यू दीदी, आपने कितनी अच्छी एक्टिंग की। वाओ, वेडनेसडे, थैंक यू। हाँ, मैं इशिता को बहुत टाइम से जानती हूँ और बहुत बार ऐसा लगा कि आके इनिशिएटिव को थोड़ा सपोर्ट करूं। आज एक्चुअली उन्होंने बुलाया मुझे, बाकी सब कैंसिल करके मैं आ गई, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे मार्शल आर्ट सीखने का बड़ा मन था और मैंने क्लासेस भी लिए थे, बट फिर बहुत टाइम में मैंने छोड़ भी दिया था क्योंकि वो वर्क नहीं करता। बट अगर आज मुझे कोई सिखाए तो मैं आज भी मार्शल आर्ट सीखूँ लाइक ऑल ऑफ यू ऑल। मेरा सच में बहुत मन है टू बी एबल टू डिफेंड माई सेल्फ नो मैटर वॉट एंड वेयर, तो छोड़ना मत। ओके, थैंक यू। ये पूजा दीदी है और ये कृतिका दीदी है। आपको पता है पूजा दीदी मोटरसाइकिल चलाती है? वाओ। और आपको पता है कृतिका दीदी क्या चलाती है? घोड़ा। सही में, शी नोज हॉर्स राइडिंग। उन्होंने ही कहा कि ये पिक्चर बच्चों को जरूर दिखानी है, तो टेस्ट दीदी के लिए कैसा लगा सबको फिल्म? ये मैंने आपको बता दिया ना मार्शल आर्ट्स करती है? नहीं बताया? बहुत सारा मार्शल आर्ट करती है और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है। अभी ये स्कूल बना रही है, उसके पहले इन्होंने फार्मर्स के लिए वाटर सप्लाई का बंदोबस्त किया, और आप खुद बताइए और क्या किया। ये साइड के लोगों की तो कोई आवाज नहीं है, वो वाले लोग वहां पे कोई नहीं है। हाथ ऊपर कीजिए, आवाज। बीच वाले, सबका आवाज नहीं आ रहा है। और ये वाले, ये वाली आवाज ज्यादा है, तो ये वाली
क्यों कम है? खाया पिया नहीं है क्या? नहीं खाया? अच्छा, मेरा नाम राजश्री है और सबसे पहले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक साथ होना चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। आप कौन से? अच्छा तो दीदी ने आपको बताया कि मैं कुछ कुछ मार्शल आर्ट करती हूँ, तो मैं जब छोटा मुक्का मारती ना, छोटे मुक्के मार कहाँ है? हाँ, तो मैं भी एक छोटा मुक्का मारती बहुत सालों पहले, तब मैं मार्शल आर्ट करती थी और ताइक्वांडो भी सीखती थी, सब कुछ करती थी। पर एक वक्त हुआ कि मार्शल आर्ट दूर चला गया मेरे घर से, फिर मैंने छोड़ दिया। हो जाता है ना ऐसे, होता है नहीं होता है? ना कभी कभी मम्मी बोलती है कि बहुत दूर है बेटा, मैं नहीं छोड़ूंगी, होता है नहीं होता है? मम्मिया आवाज ही नहीं आ रही आपकी। फिर मैं थोड़ी बड़ी मुक्का मार हुई, तब मैं जूडो खेलती थी, तब मैं ना जूडो पता है ना। फिर क्या हुआ, मेरे ना 3 यहां और 2 यहां टूट गए खेलते खेलते। टूटा या नहीं टूटा है किसी का मुक्का मार करते करते? किसको किसको लगा है? नहीं लगा तो मेरे 5 फ्रैक्चर हो गए। फिर मम्मी ने फिर से कहा, बेटा छोड़ दे, नहीं हो रहा है। फिर मैं थोड़ी और बड़ा मुक्का मार बनी। फिर उसके बाद मैंने कलरी पैड टू किया। कलरी किस कौन कौन जानता है? कलरी कौन कौन जानता है? नहीं जानते हो? ये केरला का मार्शल आर्ट है जिसमें पता है क्या सिखाते हैं? लाठी और तलवारबाजी भी सिखाते हैं, वो भी सीख ली मैंने। फिर उसके बाद फिर से लगा, पर मैं रुकी क्या, मैंने फिर से शुरू किया, फिर कुछ लग गया, फिर मैं नहीं रुकी मैं। तो क्या करना चाहिए हमने? डरना मना है, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ करते रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, क्लास दूर चले जाए फिर भी जाना चाहिए, हड्डियां टूट जाए फिर उठना चाहिए। उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? कुछ भी हो जाए रुकना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे मम्मियों आवाज नहीं आ रही है? तो बस मैंने बस यही किया, मैं रुकी नहीं। टूटे फूटे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो सीखते रहना चाहिए। और बस यही आगे, बस यही सब लोग जो है ना, आवाज आ रही है? अरे संडे मंडे, ये सब लोग दीदी है ना, ये सब कभी रुकती नहीं है, ये सब लोग फाइटर है। कौन है? और तुम लोग कौन हो? फाइटर हो या नहीं हो? तो भाई लड़का लड़की कुछ नहीं होता, क्या होता है? मुक्का मार। कौन होता है? और जोर से, और जोर से। थैंक यू। थैंक यू राजश्री। पूजा दीदी, पूजा दीदी जो बाइक चलाती है वो वाली दीदी। हाय बच्चों, कैसे हो? आज का स्कूल खत्म हो गया? ये आफ्टर स्कूल था? कैसा लगा? फिल्म कैसी लगी? हमने क्या सीखा इस फिल्म से? हमें कभी डरना नहीं चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें इस फिल्म से ये सीखनी चाहिए और ये समझनी चाहिए कि हम सब कितने नसीबदार हैं, हम सब कितने लकी हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास माँ बाप है, हमारे पास अच्छा घर है, हमारे पास खाना पीना है, हमारे पास घर है, स्कूल जाने का मौका मिलता है, हमारे पास बुक्स है ना?
वी आर लकी राइट. तो इसी को याद रखकर मैं आपको दो चार चीजें बताती हूं, इसे हमेशा याद रखना. सबसे पहली चीज, क्योंकि हम लकी हैं, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए. थैंक यू कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया, है ना. सबसे पहले उठ के सुबह भगवान को, अल्लाह को, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए. दूसरी चीज, हम सब स्कूल जाते हैं राइट, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए. क्यों? ताकि आप बड़े होकर आपको जो चाहिए, आप जो चाहे वो बन सकती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आप मेरी तरह और हम सब की तरह प्रोड्यूसर या एक्टर बन सकती हैं, आप बाइक चला सकती हैं, आप कंप्यूटर चला सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, दूर देश में जा सकती हैं, स्पेस में जा, रॉकेट में बैठ के मून पे जा सकती हैं. तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आज हम मिले हैं, वो क्या है? सेल्फ डिफेंस. आपने देखा ना कि इंस्ट्रक्टर्स और जो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे मुक्के हैं, वो कैसे मुक्के मार रहे थे. आप चाहते हो ना कि आप भी ऐसे मुक्का मारने लायक बन जाओ, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए. ये माँ बाप और बच्चों दोनों के लिए है. अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर भेजें. अब तो आपको मौका भी मिल गया है, इतनी अच्छी अरेंजमेंट हो गई है, तो बच्चों इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना और अच्छे से सेल्फ डिफेंस सीखना. चौथी बात, ये खास करके पेरेंट्स के लिए है और बच्चों के लिए भी, ये आपको अपनी मम्मियाँ समझाएंगी. मैं पेरेंट्स को खास करके ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच, अगर कोई आपको छूता है आपके माँ बाप के अलावा, आपकी माँ के अलावा, तो वो खराब कैसे है, अच्छा कैसे है, उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है. हमारी बच्चियों को ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है. और अगर कोई आपको ख़राब तरीके से टच करता है या आपको ख़राब तरीके से ट्रीट करता है, तो सबसे पहले ज़ोर से उसे मुक्का मारना है, चिल्लाना है और वहाँ से भाग जाना है और घर आकर मम्मी पापा को बताना है. डरना नहीं है, है ना? डरना नहीं है, मुक्का मारना है, राइट? लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने कहा ना हम सब कितने लकी है, हम पढ़ने जाते हैं, हम सेल्फ डिफेंस सीखने का हमें मौका मिल गया है. ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिलता है. आपके घर पे कुछ लोग काम करने आते होंगे, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो शायद स्कूल जाती थी अब नहीं जाती या कुछ बिल्कुल नहीं जाती. आप काफ़ी सारी बच्चियों को मिलती होंगी, बच्चों को मिलती होंगी, लड़का हो या लड़की, तो जो आप स्कूल में पढ़ते हो उन्हें भी सिखाओ. अगर आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपकी थर्ड स्टैंडर्ड की बुक्स उन्हें दो, आपकी जो बुक्स हैं उन्हें दो, उन्हें सिखाओ, उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ. आपको जो जो आता है आप उन्हें सिखाओ. क्यों? बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर. बोलो, वी आर. प्लीज रिमेंबर दैट. थैंक यू. जब एक्चुअली करने की बात आती है तो वो एक चीज़ अटक जाती है कि मैं ये कैसे करूँ. मैंने भी ये फेस किया है कि मैं ये कैसे करूँ, मैं इसको ओवरकम कैसे करूँ, मैं यहाँ आऊँ कैसे, मैं घर से निकलूँ कैसे, सबसे बेसिक बात. तो आई थिंक एक चीज़ अपने माइंड में ना बाकी सब चीज़ों के लिए बिठा देनी चाहिए, आई विल एंड आई कैन, विच बेसिकली सबसे पहले आई विल ये होता है कि मेरी इच्छा है, मुझे ये करना है. उसके बाद आपके पास तरीके आ जाते हैं कि मैं कैसे करूँ. पहले सोच के आप डर जाओगे कि मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, इसको अप्रोच कैसे करूँ, तो वो आएगा ही नहीं कभी. हम वो विल बना ही नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. बट जैसे वो इच्छा आप थोड़ी सी मजबूत कर लोगे ना कि मैं ये कर सकती हूँ, फिर जितने रास्ते वो अपने आप खुल जाते हैं. आप रास्ते सोचने बैठ जाओगे तो आगे आई गेस बढ़ ही नहीं पाओगे. सबसे बड़ी सीख मैंने लाइफ में अपने लिए यही की है कि पहले अपनी इच्छा बना लो कि मुझे ये करना है,
और फिर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, बात कर सकते हो, वो आ जाते हैं आपको हेल्प करने और चीज़ें फिर एक के बाद एक हो जाती है, आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो इच्छा बना लो, बाकी तो हो जाता है। इज ऑल आई कैन से, स्वीट एंड सिंपल। आई होप सबको समझ आई बात। बस आई वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे कौन सा दिन है? संडे। संडे मेरा माइंड। थैंक यू नुशरत। नुशरत दीदी को अब जाना है तो हम दीदी को अच्छे से बाय बाय बोल देते हैं और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वन सेकेंड, वी हैव समथिंग फॉर यू, प्लीज एक्सेप्ट इट। आई थिंक अब नैनी दीदी को कुछ बोलना चाहिए। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, मेहनत कर, पौधों को पानी दे। मेहनत कर, पौधों को पानी दे। So, Nusrat, what you want to say today is a Women's Day and I'm proud to be part of this event and अच्छा लग रहा है। आई थिंक आज वुमेंस डे है या नहीं है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए क्या मैटर करता है कि यहाँ जितनी लड़कियाँ आई हैं वो बहुत एम्पावर्ड फील कर रही है, आज भी कल भी। वो मार्शल आर्ट सीख रही है, वो यहाँ आके हमसे बातें कर रही है। इशिता है, सर है जिन्होंने इन सबको रिसोर्सेज दिए हैं कि वो और कुछ लाइफ में कर पाए। तो आज के दिन सिर्फ उठ के बोलना आई डोंट थिंक हाईलाइट है। मेरे लिए हाईलाइट है कि वो रोज़ ये बोल पाएंगे कि हमने आज कुछ किया या मैं आज उठ के मार्शल आर्ट सीखने गई, जो कुछ टाइम पहले हमें अलाउड ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था ये करना है। एंड वन ऑफ द एक्टर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज़ द राइट टच, व्हाट इज़ द रॉन्ग टच, आपको ये समझ कैसे आएगा, राइट? आप बच्चे हो, आपको कौन बताएगा कि ये गलत था या ये सही था? तो आप में जो वो एक स्ट्रेंथ आती है ना फिजिकली, फिर आपको वो मेंटली भी आपको प्रिपेयर करता है। तो आई थिंक दैट स्ट्रेंथ ऑन एवरीडे बेसिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू गेट अप एंड गो टू। तो फॉर मी दैट्स वाई दिस इनिशिएटिव इज़ ग्रेट, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं, ये रोज़ करेंगे ये लोग। Well, it's very important that women are empowered, not only for me, but for the society, for our city, for the entire country. Because if women don't get empowered, I don't see this, you know, any country growing very far. So hence, yes, it is important for all of us that women are empowered as much as we are. Yes, I would be very honored, very privileged if I get a chance to be with Mukka Mar throughout my life. चेंज फॉर वुमेन, यार यू नो अगर बोलने जाओ ना तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप आगे बढ़ के बात कर सकते हो, बहुत सारे हैं। नो मीन्स नो, क्लीन टॉयलेट्स, एजुकेशन। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो भी है आपका एक थॉट बदलना चाहिए टुवर्ड्स अ गर्ल एंड अ वुमेन इज़ रिस्पेक्ट। कि अगर वो मार्शल आर्ट्स करना चाहती है तो उसे रिस्पेक्ट दो कि वो करना चाहती है। अगर वो ये कपड़े पहनना चाहती है तो उसे रिस्पेक्ट दो कि कपड़े पहनना चाहती है। अगर वो इस बात पे अग्री नहीं करती तो उसे रिस्पेक्ट दो कि हाँ भाई तुम अपनी ओपिनियन आगे रखो। तो वो कुछ भी करना चाहे, मान लो वो शादी ना करना चाहे या उसे बच्चे नहीं पैदा, यू नो वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, आई थिंक द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि उसकी थॉट और इच्छा को रिस्पेक्ट करो एंड लेट हर डू वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। ये मैं एक थॉट एज अ होल सोसाइटी इनकलकेट करना चाहती हूँ कि वी आर पीपल, वी हैव आर ओन माइंड, इफ़ यू कैन जस्ट रिस्पेक्ट दैट, बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। सो ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो आपको मतलब याद दिलाता हो या फिर मार्शल आर्ट आना चाहिए ऐसे मौके पे, कभी ऐसा
हाँ यार, ईव टीजिंग तो बहुत हुई है. मतलब जो बेफिक्रेपन से मैं अपने रास्ते पे चलती थी घर के, कि मैं एक वॉक पे जाऊँ या बाहर निकलूँ, अब मुझे 10 बार सोचना पड़ता है, बिकॉज रिक्शा से लोग सीटियाँ मारते हैं, चीज़ें बुलाते हैं. इट्स मतलब कर तो कुछ नहीं रहे बट टीज तो कर रहे हैं ना, तो आपको मन करता है ना कि एक पत्थर उठा के मारूँ क्या मैं तुझे उल्टा, बट वो कर नहीं पाओगे बिकॉज फिर फिजिकली वो हमें शायद एम्पावर कर पाए. तो तब लगता है कि अगर वो कुछ करने आए भी तो वी शुड बी एबल टू ब्लॉक देम और थ्रो बैक अ पंच. तो आई थिंक मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो फिजिकल सिर्फ सीखने के लिए नहीं है मार्शल आर्ट्स, वो आपको मेंटली एक स्ट्रेंथ देता है कि आप कभी भी हो किसी भी सिचुएशन में आपको पता है कि आप एक यू विल बी एबल टू गिव इट बैक, यू विल बी एबल टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. तो मेंटल स्ट्रेंथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है व्हेन यू, इसलिए मैंने मार्शल आर्ट्स किया भी है क्योंकि हाँ यार, लाइक शॉर्ट पेटी छोटी उनको बहुत होता है कि यार मैं एक मारूंगी भी इसको लगेगा थोड़ी, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ आना बहुत जरूरी है. सो आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट दिस फॉर एवरी गर्ल. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. थैंक यू. सो पूजा, कितना प्राउड मोमेंट होता है जब बच्चों के साथ वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, कितना अच्छा लगता है और आज कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन स्पेशली वुमेंस डे में बच्चों के साथ और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए मुझे आने का मौका मिला और ये सब कुछ देखने को मिला. बिकॉज जितना भी हम हर रोज़ बोलते हैं, जितना भी हम डिस्कस करते हैं, हम पढ़ते हैं, जो भी है, प्रैक्टिकली जब उसे होते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है थैंक्स टू इशिता शर्मा एंड आमर एंड मुक्का मार एंड एवरी वन हु गॉट टुगेदर फॉर दिस इनिशिएटिव. ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों के लिए हो रहा है, कुछ बच्चियों के लिए हो रहा है यहाँ पर, उन्हें यू नो फॉर रियल एक एम्पावर किया जा रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारी बच्चियाँ अब उस तरीके से कैपेबल हो पाएंगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें. आज भी रूरल विलेज या रूरल एरिया में हम जाते हैं तो लड़कियों को घर पढ़ाई करने भेजना, स्टडी करने भेजना, उनकी थिंकिंग है कि क्या करेगी पढ़ के आगे तो शादी होगी. अभी भी विलेजेस में ऐसी थिंकिंग है, उन पर आपको क्या विचार? ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट यू नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं, माने या ना माने, हम सिटीज़ में भी ये होता है. चाहे वो दिल्ली जैसी मेगा सिटी हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे वो बैंगलोर हो, बहुत सारी जगह पर ये होता है. बिकॉज येस ऑफकोर्स इतना डिफरेंस है कि बिल्कुल पढ़ने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है. गर्ल्स गेट टू स्टडी बट अगर वो आगे पढ़ना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स करना चाहती है, PhD करना चाहती है, कुछ और परस्यू करना चाहती है, तो उन्हें रोक दिया जाता है और उनकी शादी करा दी जाती है. बोला जाता है कि क्या करना है इतना पढ़ के, आप तो घर चलाना है ना, शादी करके बच्चे पैदा कर. सैड पार्ट इज़ कि ये सब कुछ अभी भी प्रेवलेंट है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हम सब हो, चाहे वो ऐसे प्रोग्राम्स हो, हम सब कहीं ना कहीं अपना एक यू नो योगदान दे रहे हैं ये चीज़ को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में. और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में कि हम अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ देखते हैं तो उसे बढ़ावा ना दें, उसे प्रोत्साहन ना दें और इनफैक्ट उसे चेंज करने की कोशिश करें. हम देखते हैं चलते हुए लोग प्लीज करते हैं, इस तरह का इंसिडेंट कभी आपके साथ हुआ हो और आपने मौके उस दौरान पे क्या किया? जब मैं बहुत छोटी थी, जब समझ में भी नहीं आता था कि अच्छा ये जो सीटी बजाई जा रही है ये गलत है, या ये जिस तरीके से हूटिंग बोलते हैं या जिस तरीके से चिल्ला के बोलते हैं या ओए होए या कुछ करते हैं, जब समझ भी नहीं आता था कि ये चीज़ गलत है, तब मेरे साथ ही हुआ था. एंड उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उसके बाद ऐसा नहीं, मौका नहीं आया है कि मुझे ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है. बट दुख होता है कि आज भी हर जगह, चाहे वो रूरल एरिया हो या चाहे हमारे शहर में हो, लड़कियों के साथ होता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो बाज़ार में हो, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, उसका सामना. आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये है कि हर लड़की, हर औरत जो बाहर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, काम करने के लिए जाती है, उन सबको अपने साथ एक छोटा सा पेपर स्प्रे मिलता है
वो रखना चाहिए, एक छोटा सा जो स्विस नाइफ होता है वो रखना चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी तुरंत डिफेंस के लिए काम आएंगी, और सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ सेल्फ डिफेंस अगर पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स या किकबॉक्सिंग नहीं भी आता है कोई बात नहीं, कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से अगर आपको कोई जकड़ लेता है पकड़ लेता है तो आप अपने आप को छुड़ा के भाग सकती हैं, कुछ चीज़ें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज चेंज होने में और लोगों की जो मेंटालिटी है वो चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक हम अपने आप को उतना स्ट्रांग बना दें कि किसी की ताकत ना हो कि आपको इस तरीके से छेड़ दे। डू यू थिंक कि अवेयरनेस लाने में बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्मों का काफ़ी हाथ रहा है इन 2016, 17 और 18 में, इस तरह की वुमेन एम्पावर की फिल्में आई हैं? ऑफकोर्स मीडिया एज एन एंटरटेनमेंट, चाहे वो टीवी हो, फिल्म्स हो, और हमारी जो सोसाइटी है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से प्रोत्साहन लेते रहते हैं, जो रियल लाइफ में चीज़ें होती है उसे हम वहीं से कहानियाँ उठाकर हम टीवी पर पर्दे पर दिखाते हैं, और ऐसा भी होता है कि पर्दे पर जो चीज़ें होती है वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो डायलॉगबाजी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले 3 सालों में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें औरतों को सबसे सेंट्रल कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, एंड उन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है हम सबको और बाकी जितनी भी औरतें हैं उनको ये रियलाइज़ कराने में कि औरतें उतनी इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में जितने मर्द। वन ऑफ द फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स वुमन एम्पावर? तुम्हारी सुल्लू द लेटेस्ट फिल्म। थैंक यू सो मच। कितना मजा आ रहा है दोनों? It's going fantastic. I'm very thankful to my friend Kritika who came for the event. She's been wanting to see the girls since a very long time, and finally we had something which was, you know, which everybody honestly wanted to make time for. So, but I still want to thank you. No, shut up. No, every day, you know, everybody today, even I have tweeted that everybody's been saying that we celebrate Women's Day only on one day, only one day we celebrate womanhood. But I want to tell everybody that Ishita is somebody who does this every day. So, hum ye aaj kar rahe hain, this mukamar function we are doing today, we are attending today. But Ishita is actually teaching these kids. Pichle kitne saalon se? 2006 Feb. सो बेसिकली जो छोटे छोटे बच्चे हैं एंड ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं कि वो उन बैकग्राउंड से नहीं आते कि ये एक क्लास समझ के नहीं आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट स्कूल फॉर देम, शी डजंट टेक एनी मनी, सारी जो हेल्प है उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने से लेकर उनको क्लास में लाने तक, उन्हें कॉम्पिटिशन में भेजने तक, ऑल दैट इज़ डन बाय इशिता, सो शी इज़ लिटरली एम्पावरिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ वीमेन ऑन अ डेली बेसिस एंड वी आर ऑल ओनली टॉकिंग अबाउट इट, हम आज भी आके इस बारे में सिर्फ बातें करके जा रहे हैं, बट शी इज़ एक्चुअली doing something about it or action jo hai wo Ishita kar rahi hai, so I am very proud of you, but it really matters because I'm telling you which is why I'm thankful that the kids really appreciate seeing somebody they know, kyunki unke liye aisa hota hai ki you know they have idolized this person on screen, like when Dangal came out all the girls I used to tell them ki tum acche se punch nahi kar rahe ho, acche se nahi kar rahe, and they said didi wo Dangal ki tarah karna hai kya, so I was like haan वैसे ही करना है, so that's when I realized if somebody they like and they idolize comes and says even a word to them, no, they will go back and tell their parents ki wo didi aayi thi, unhone aisa bola, ye wali didi ne aisa bola, to ab hum aisa karenge. I think that is also very important, you know, the right people talking about the right cause is really important. Also we underestimate entertainment and pop culture, I think usse bahut fark padta hai, Dangal se sab log inspired hai, even though it's a film, it was made for business, for entertainment, but it was not a documentary or an educate, yeah, you know, like a film, but it had a message. So I think such kind of events and generally what we do on television and TV, yeah, also needs to somewhere reflect this. So I would also like to mention Girl Rising, which we saw today. Yeah. I think it was done brilliantly. We're aware of the movement. I mean, yeah, you're aware of all the actresses and everybody who's involved in it. But ye film maine bhi aaj pehli baar dekhi and it's quite touching. I believe iska एक इंडियन स्टोरी भी है, ये नेपाल की स्टोरी है, एक इंडियन स्टोरी है, बट दिस इज द, सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज समथिंग दैट मस्ट ऑलवेज बी टॉक्ड अबाउट, बट द इंडियन स्टोरी इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट अ फादर हु इज रियली नाइस एंड लविंग टू हिज चाइल्ड, द
the problem is a lot of people who I work with, their parents are not so sweet. They are not so supportive. Yeah, they're facing a lot of... They are facing a lot of different kind of trouble. So if you show violence, show them, to be precise, at exactly, home. Exactly. A lot of violence. And we certainly can't talk about it because also child rights come into play and there's a lot of legality there that we can't do anything about. So the only thing we can do is show them a story where the girl is really down and out and she has nothing to do and still she comes up. And then still there's hope and So which is why we actually chose the Nepal story and not the India story. Okay. So it's been a very tough journey for you to spread awareness. I think tough and easy is a frame of mind. Today morning I thought this event was really tough. But when I went on stage I just had fun. So like they say, it's not the destination, it's the journey. Sometimes, of course, there are times when you're like, oh God, what is going on? I can't deal with this. And then other times, you know, when a sweet little moment happen and the girl say, Didi, humne aaj ghar pe aisa kiya, ya hamare full marks aaye, ya any simple thing can bring joy into your life and give you validation, you know. So it's all part of the journey. It's tough, it's easy, it's fun. It's a growing process. So which is great. So is there any one incident which happened with you? Like we have seen the girls who are walking on road or in auto, the boys are teasing. Yeah, yeah. There is not any girl. Let me tell you, koi kitne bhi ameer, gareeb, kisi bhi shahar se aata ho, koi aisi ladki aapko nahi milegi jisne kisi tarah ka, some kind of, jisne koi misbehavior apni life mein nahi dekha hai. I think everybody has seen it. आप बस में travel करते हो या आप road पे या अपनी गाड़ी में और शीशा नीचे करते हो. Whatever you say, everybody has seen it. And I think I've seen both those parts of life also. I have been that girl who's travelled in public transport to today, and I still have incidents. I remember once, this mostly crowded places are very tricky for girls. ना मतलब कि सुबह शाम रात तो भूल जाओ. It's just कि अगर बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादा आदमी हैं. So it automatically is a threat. So I'd once gone to see a Dashera thing, okay? Jahan pe Ravan ko jalate hain, right? So I was very excited. I was a little girl and I was gone. And somebody touched me inappropriately. And I had a bag in my hand. So I just like hit him with the bag. I don't know, laga, nahi laga. I was very small. It was chala gaya, kaun tha. But it disturbed me for a really long time. And we all have multiple incidents. So koi ek incident nahi hai. Which is why I frankly to get me into a class, to get me to learn these things. I have to say, give me some credit, I'm a little better than what I was. That's true. And in terms of taking fitness seriously and taking ye main thodi si better ho gayi hu, but I, you know, as while growing up, which is what I wanted to say there also, a lot of us, especially girls, feel ki mujhse to ho gaya nahi, main kar hi nahi sakti. I don't think we realize the power that we have in ourselves, and the day we realize ki haan main kar lungi, या हम एक बार उसको try करें, anything from what she does to what Pooja does is riding a bike or anything. You ride a horse. Yeah, but I was thrown into it. So once you're thrown into a situation like this, you learn. So I think all the adults also should somehow throw their kids. I think it should. They should. You know, I don't mean that you should force anybody, but my parents have frankly forced me for a lot of things and it worked out well for me. I think it did. I think parents. So sometimes you have to push your kids and people around you or your siblings and say ki jao, you try karo. Or you have to find a mentor. Hopefully like, I see you in class. Yeah, I really hope so. I was going to say that who gets that push? You've seen Alexa and you've seen his students, right? And they are fantastic. So I would say that for them, they find the strength in Alexa. He's the one who brings them there and motivates them. And same for me. I've been doing martial arts for about three, four years, I don't know. And my only motivation comes from him. Like no matter how harrowed I am, I see Alex sir and he just stands there like this, you know, like one Iron Man or whatever. And I see him and I feel, wow, he's so strong, I want to be like him. You know, so the push doesn't necessarily need to come from the parents, and that's what actually we are also looking at. We learn a lot from Alex sir and we try to emulate that teaching style into whoever we teach, so that with us we can find such a bond with the students that they keep coming to the class without anybody's push. They should want to do it. That's very important. That's the beauty of Mukka Mar. It's not like I'm saying it's not a hobby class. It's a class. It's not people or children from well-to-do families or people who have this as an option. It's actually people who shayad apne bachcho ko bolte hain ki ek ghanta ye mat kar, tu ja ke kaam kar le, kahin paise kama le. But unko bhi convince karke ye karwana aur is tarah se enrich karna is, you know, hats off. Yeah.
Thank you so much. And wish all the best. Thanks. That's okay. बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते करते बड़े बैटल हार जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए बच्चों की और फीमेल हाइजीन पे ध्यान दिया जाए जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर भारती आई थी जो हमारी एमएलए हैं उनका एक इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा दे हैव उन्होंने सैनिटरी नैपकिन बैंक शुरू किया है तो ये मैंने इससे पहले मैंने तो नहीं सुना था तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है एक महिला की ज़िंदगी की जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसे अलग नहीं किया जा सकता और उसके लिए ख़ास तौर पर शौचालय बन जाते हैं विद्यालय बन जाते हैं लेकिन ख़ास तौर पर स्लम्स के बच्चे वो लड़कियां क्या करें जिन्हें सैनिटरी नैपकिन ना तो पता होता है अगर पता होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते तो ये एक उनका इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुद भी पर्सनली उस इनिशिएटिव में भाग लेना चाहूँगी क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक महिला की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होना भी बहुत ज़रूरी है लेकिन स्लम की लड़कियों तक वो हाइजीन नहीं पहुँच पाती तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी बाकी सबसे कि इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें दूसरा शिक्षा के विषय में ख़ास तौर पर लड़कियों की कि शादियाँ वादियाँ तो हो जाती हैं वो कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं होते तो शादियां भी आप नहीं कर पाते जो आपकी की जानी चाहिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कोई भी ज़िंदगी की लड़ाई हाथ पांव से नहीं लड़ी जाती दिमाग से लड़ी जाती है सो या काफ़ी बार हुआ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं हुआ मैं छोटे से शहर से हूँ कानपुर से और वहाँ पर ईव टीजिंग बड़ी आम बात थी उन दिनों में क्योंकि जागरूकता नहीं थी क्योंकि शिक्षा नहीं थी मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया था कि तुम बस मार देना बाकी बाद में देख लेंगे तो ये शायद उन्होंने इसी लिए सिखा पाया होगा क्योंकि उन्होंने ही हमेशा हमसे कहा था कि चाहे दो रोटी कम खा लो लेकिन पढ़ाई करो लेकिन पढ़ाई करने से उनका मतलब ये नहीं था कि किताबें पढ़ ली और पास हो गए पढ़ाई करने से उनका मतलब था आपके चारों ओर क्या हो रहा है आपको कौन किस नज़र से देख रहा है या आपको कोई हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है तो उस दौरान आपको क्या करना है अगर आप मार भी देते हैं तो उसके बाद क्या तो पढ़ाई के लिए इसलिए जोर दिया गया कि अगर आपको कोई ऐसा परेशान करता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है पुलिस कोर्ट कचहरी करनी है तो भी आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है वहाँ जाके या अगर आपको पलट के सेल्फ डिफेंस करना है तो किस मौके पर कैसे सेल्फ डिफेंस करना है देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।